एक्सरसाइज 8A, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक ट्राइंगल गिवन है कुछ इस तरह से। ये है हमारे पास पॉइंट ए, सी एंड बी। इसकी बेस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। इसी के अंदर एक और ट्राइंगल है हमारे पास और ये दो पॉइंट्स हैं डी एंड ई, यानी कि ये ट्राइंगल है हमारे पास ए डी एंड ई, ए डी ई, और इसकी बेस है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। ये पोर्शन हमारे पास शेडेड है और इसी का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी जो है उसमें से ए डी ई को रिमूव कर दिया जाए तो कितना पोर्शन ऐसा होगा जो कि शेडेड बचेगा, यानी कि सिंपली शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये ट्राइंगल है हमारे पास ए डी ई, ये शेडेड नहीं है, इसे मैंने आपको हाईलाइट करके ट्राइंगल दिखाया है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, ये ए डी ई ट्राइंगल है और इसकी बेस है हमारे पास ये, यानी कि 10.5। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल ए डी ई की। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। वैल्यूज प्लेस कीजिए, बेस है हमारे पास 10.5। अब हम हाइट की बात करेंगे। ये इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। इस पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास वो है 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो बेस है हमारे पास वो है 20 सेंटीमीटर। हम वैल्यूज प्लेस करेंगे, बेस में मैंने लिखा 20, हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। इस पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद आंसर आएगा आपके पास 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं शेडेड एरिया की, शेडेड रीजन की, और हमारे क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर ट्राइंगल ए डी ई को रिमूव कर दिया जाए तो कितना पोर्शन शेडेड बचता है हमारे पास। इसके लिए 210 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि आपके पास पूरे ए बी सी का एरिया है उसको आप उसमें से आप माइनस कर दीजिए, 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपके पास आंसर आ जाएगा 157.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस शेडेड रीजन का।